हेलो फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं कि आईफोन 13 प्रो मैक्स का जो ग्लास चेंज होगा वो कैसे चेंज होगा। ये इसका डिस्प्ले सारा ओके सही से काम कर रहा है, टच सिर्फ ये ग्लास टूटा हुआ है। तो आइए हम इसे चेंज करते हैं। ये फ़ोन का पूरा टच सही से काम कर रहा है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस जो है इसका ऊपर का ग्लास का प्रॉब्लम है। तो आज इस वीडियो में हम इसका ग्लास ही चेंज करने वाले हैं। देखिए, टच सारा सही से काम कर रहा है। और हाँ, चेंज करने से पहले इसका टच एक बार पहले चेक कर लें, हो सकता है कि टच में ही कोई प्रॉब्लम हो। ग्लास चेंज करने के बाद फिर टच में आपका हमेशा के लिए प्रॉब्लम रह ही जाएगा, बट इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका टूटा हुआ ग्लास हम हटा के ये ग्लास लगाने वाले हैं, जो कि आईफोन 13 प्रो मैक्स का ग्लास है। पहले हम इस फ़ोन को पहले बंद कर लेते हैं और इसके जो सारे स्क्रू हैं उसको खोल लेंगे। देखिए, ये स्क्रीन खोलने से पहले हम इसे थोड़ा सा हीट कर लेंगे ताकि ये थोड़ा इजीली खुल जाए। तो इसमें हम इसको हीट कर रहे हैं थोड़ा सा। अब ये हीट करने के बाद ये बहुत आसानी से खुल जाएगा। देखिए, साइड साइड में आप इसे थोड़ा सा कोई चीज़ किसी चीज़ से फंसा के इसको सिर्फ ऊपर लिफ्ट करना है, उठा देना ऊपर और बहुत आसानी से ये खुल जाएगा। बट हाँ, बहुत संभाल के खोलना है, डिस्प्ले भी ख़राब हो सकता है। डिस्प्ले खुल जाने के बाद इसमें जो स्क्रू वगैरह लगा हुआ है उसको सावधानी से खोल लेना है। इसमें बहुत छोटा छोटा स्क्रू लगा हुआ है और डिस्प्ले को फिर बोर्ड से अलग कर लेना है। ये बोर्ड से अलग हो गया हमारा डिस्प्ले। अब बोर्ड को साइड में रख देना है और इसमें जो भी स्पीकर, ये कैमरा जो भी लगा हुआ है उसको फिर यहाँ से खोल लेना है। यहाँ पे हम एक टेप लगाते हैं क्योंकि ये जो डिस्प्ले जो ऊपर का ग्लास टूटा हुआ है वो अलग अलग होकर ना निकले, इसी में सारा एक साथ निकलेगा, इसलिए यहाँ पे टेप लगाना होता है। अब हमें यहाँ पे एक कटिंग वायर लेना है और इस वायर की मदद से यहाँ पे डिस्प्ले को ग्लास से काट देंगे।
डिस्प्ले से एक ग्लास कट जाने के बाद, जो अलग हो जाने के बाद, डिस्प्ले को अच्छे से साफ कर लेना है। साफ हो जाने के बाद एक बार इसे बोर्ड में लगा के ऑन करके देख लेना है कि डिस्प्ले बचा है या नहीं। अगर डिस्प्ले सही है तो ये ऑन हो जाएगा। डिस्प्ले देखिए ओके है और उसका टच वगैरह भी सही से काम कर रहा है। हाँ, पूरे सही से काम कर रही है टच वगैरह।